हेलो एवरीवन, चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हेडिंग आप सब लिखोगे, एस्केलेशन क्लॉज। हेडिंग लिखना एस्केलेशन क्लॉज, क्या होता है उसके बारे में पहले लिख लो। एस्केलेशन क्लॉज states that, escalation clause states that if in the future prices of material and wage rates increase, comma, contract price will be increased proportionately. Contract price will be increased proportionately and vice versa. तो पता है escalation clause क्या कहता है? ध्यान से सुनना। एस्केलेशन क्लॉज कहता है कि अगर फ्यूचर में मटेरियल के प्राइसेस में या लेबर के रेट्स में कोई चेंज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये क्यों डाला जाता है क्लॉज, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल लेके बात ना समझ के देखना। देखो, अच्छा अज्यूम करो कॉन्ट्रैक्टी है और कॉन्ट्रैक्टर है, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्टी है और कॉन्ट्रैक्टर है। अब पता है हुआ क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्टी है ना, ये गवर्नमेंट है। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया फ्लाई ओवर बनाने का। तो कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को फ्लाई ओवर बनाने का, बताओ क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि फ्लाई ओवर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई एक ही साल में खत्म थोड़ी ना हो जाएगा भाई। फ्लाई ओवर का कंस्ट्रक्शन सालों साल चलता रहता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलो 3 से 5 साल फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। यानी बेसिकली सपोज मैं मान के चल रहा हूं फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगे। अब ध्यान सुनना, अब पता है इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये हुआ था 2015-16 में। तो 2015-16 में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को फ्लाईओवर बनाने का क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट, जो कंप्लीट होने में लगभग कितने साल लगेंगे? 5 साल। ठीक है, अब ना दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिसाइड हुआ? प्राइस। प्राइस कितना डिसाइड हुआ? 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ। अब आप ये सोच के देखो कि दोनों पार्टीज ने ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 करोड़ डिसाइड कब किया होगा और कैसे किया होगा, बात समझना। ये 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब डिसाइड करा, व्हेन और कैसे, ये 20 करोड़ कैसे आया ये? तो सबसे पहली बात, कब किया? तो ऑब्वियस ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के पहले होगा या कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद? ऑब्वियस ही बात है पहले होगा। यानी 15-16 में अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड, बताओ 15-16 में ही तो होगा। ठीक है, अब मेन बात आती है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड, ये 20 करोड़ कैसे आया होगा? मैं उसका ना आपको जरा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा उसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 करोड़ कैसे आया। सुनो, पता है कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ना
कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों एक टेबल पे बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, लेबर कौन कौन सी लगेगी और खर्चे कौन कौन से लगेंगे। फिर यह आ जाती है कॉस्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना क्या ऐड कर देता है, प्रॉफिट, और फिर यह क्या आता है आपका। तो ये तरीका है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालने का। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाने के लिए बताऊं, पता है दोनों जब टेबल पे बैठे होंगे ना तो ये क्या हिसाब लगाएंगे कि भाई देख फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने में मटेरियल चाहिए होगा कौन कौन सा। वो कहेंगे सीमेंट लगेगा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ब्रिक्स लगेगी, सैंड लगेगा, सरिया लगेगा, तो बहुत सारे मटेरियल लगेंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे कितना कितना लगेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं, सीमेंट 50,000 बैग सीमेंट के लगेंगे, ब्रिक्स ब्रिक्स कम से कम आप मान के चलो 20 लाख 20 लाख ब्रिक्स लग जाएंगी, सैंड इतना लग जाएगा, सरिया इतना लग जाएगा, ये डिसाइड करेंगे वो। अच्छा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि भाई देख सीमेंट का रेट 200 रुपये एक बैग का है, एक ब्रिक 2 रुपये की है, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ठीक है, और ये आ जाएगा 50,000 बैग सीमेंट के 200 रुपये के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपए का तो सीमेंट ही हो गया, 40 लाख की ब्रिक्स हो गई, ऐसे ही सैंड का आ जाएगा, ऐसे ही सरिये का आ जाएगा। फिर वो हिसाब लगाएंगे लेबर कौन कौन सी लगेगी, कितने स्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, कितने सेमी स्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, कितने अनस्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, स्किल्ड वर्कर्स कितने आवर्स काम करेंगे, सेमी स्किल्ड कितने आवर्स काम करेंगे, अनस्किल्ड कितने आवर्स काम करेंगे, रेट पर आवर स्किल्ड का क्या होगा, रेट पर आवर सेमी स्किल्ड का क्या होगा, रेट पर आवर अनस्किल्ड का क्या होगा, ऐसे ही इसका भी आ जाएगा, ऐसे ही सेम खर्चों का हो जाएगा। तो ये कॉस्ट का हिसाब आ गया। उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना क्या ऐड कर लेगा, प्रॉफिट ऐड कर लेगा, और आ गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 करोड़ का। लेकिन अब आगे समझने वाली बात जो आती है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन हुआ 15-16 में, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में लगेंगे 5 साल। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने डिसाइड करा कि एक बैग सीमेंट का 200 का है, ये बताओ बताओ मुझे ये 200 रुपये का रेट कब का है, ये तो आज का रेट है भाई। कुछ सीमेंट आज लगेगा, कुछ सीमेंट 1 साल बाद लगेगा, कुछ सीमेंट 2 साल बाद लगेगा, कुछ सीमेंट 3 साल, कुछ सीमेंट 4 साल, कुछ सीमेंट 5 साल बाद लगेगा। मुझे बताओ जो रेट ये 200 रुपये आज का है, क्या यही सीमेंट का रेट 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद यही रेट रहेगा? इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? सेम ऐसे ब्रिक्स, आज उन्होंने कहा कि एक ब्रिक 2 रुपए की है, लेकिन मुझे बताओ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स क्या ब्रिक्स के प्राइस में चेंज नहीं आएगा क्या इन्फ्लेशन की वजह से? आएगा। ऐसे ही मुझे बताओ अगर स्किल्ड वर्कर आज आज 1 आवर का 50 रुपए ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आज से 5 साल बाद भी वो 1 आवर का 50 ही लेगा क्या? नहीं। क्या उसके स्टैंडर्ड, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में इंक्रीज नहीं आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग में इंक्रीज आएगा तो वो अपना रेट पर आवर नहीं बढ़ाएगा क्या? बिल्कुल बढ़ाएगा। तो भैया इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज तो होती है। अब सोच के देखो, सीमेंट तय हुआ था 200 रुपए पे सीमेंट आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से सीमेंट का एक बैग कॉन्ट्रैक्टर को 300 रुपए का पड़ा। ऐसी ब्रिक्स तय हुई थी कि एक ब्रिक 2 रुपए की आएगी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से एक ब्रिक 2.5 रुपए की आई। तो अपने आप देखो इस वजह से होगा क्या, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखो इस बात समझो, कॉस्ट बढ़ती जाएगी,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उतना ही रहेगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो जाएगा कम। तो कॉन्ट्रैक्टर ना इस चीज से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है दोनों के बीच में, उसमें क्लॉज डलवाता है एस्केलेशन क्लॉज, और वो एस्केलेशन क्लॉज ये कहता है कि अगर फ्यूचर में मटेरियल के प्राइसेस में या लेबर के रेट्स में कोई चेंज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी चेंज किया जाएगा। तो अगर मटेरियल के प्राइसेस में और लेबर के रेट्स में इंक्रीज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, डिक्रीज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी घटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, लास्ट बात वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टी भी एक बात कहता है, कॉन्ट्रैक्टी कहता है भैया ठीक है इनमें चेंज आया मैं तेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तेरे हाथ में नहीं है, इन्फ्लेशन तू थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें अगर चेंज आया तो फिर याद रख लियो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। यानी पता है एस्केलेशन क्लॉज जो मेन बात कहता है ना वो ये है कि अगर मटेरियल के प्राइस में या लेबर के रेट्स में चेंज आता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को चेंज किया जाएगा, लेकिन अगर मटेरियल की क्वांटिटी में या लेबर के आवर्स में कोई चेंज आता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को चेंज नहीं किया जाएगा। ये आपका कौन सा क्लॉज है? एस्केलेशन क्लॉज। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना एस्केलेशन क्लॉज का एक क्वेश्चन पूरा करके बताऊंगा। टिल देन थैंक यू।